अपने आज के कार्यक्रम में। आइए रामचंद्र जी, आप क्या संदेश दे रहे हैं परिवार के लिए और ख़ासतौर पर सबके लिए? आज 15 अगस्त 78 वर्षगांठ है। हम इस पवित्र अवसर पे हम समस्त देशवासियों को, जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं मंगल कामना करता हूँ कि मेरा देश, जो हमारे भारत सरकार की मनोवांछित योजनाएं हैं, जैसे विकसित भारत, हम आज़ादी के बाद भारत को विकसित देश बनाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, 1947 तक भारत को विकसित देश बनाना है। आज भारत GDP में और मानव विकास सूचकांक में हम बहुत आगे हैं। और भारत हमारा जो भारत की जो सोच है, हमारे देश की सोच है, भारत को क्या बोलते हैं, आगे विकसित बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान है। भारत कृषि प्रधान में विश्व में दूसरे स्थान पे है और वित्त व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में हम 5वें स्थान पे हैं। तीसरे पे हमारी जिज्ञासा बनी हुई है। और इस तरह हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए आज दृढ़ संकल्पित हैं और देशवासियों से आह्वान करते हैं कि हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बन जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में आपने रामचंद्र जी सुना और आज पेंशनरों के साथ आज का ये आगाज कार्यक्रम की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ही बेहतर रही। आइए एक बार और बधाई लेना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में, सबके प्रति क्या है बधाई संदेश? आज हम 15 अगस्त पे समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। मूल रूप से हम जिस जहाँ बागी धरती बलियाँ पे खड़े हैं, समस्त जनपदवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय, बहुत बहुत बधाई। आज़ादी का वर्षगांठ, स्वतंत्रता दिवस, बलिया क्रांति उत्सव, एक ऐतिहासिक क्षण आज 15 अगस्त के दिन इस बागियों के धरती पर देखने को मिला जो चर्चाओं में रहा। दोस्तों, आज पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह राष्ट्रध्वज फहराया गया और तिरंगा लेकर सभी बच्चे लोग आज पूरे जनपद में, गांव में, शहर में, देहात में, हर जगह हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के तहत पूरा बलिया तिरंगामय हो चुका है। क्योंकि बलिया एक नई शुरुआत उस वक्त किया जब देश गुलाम था, तो 14 दिनों के लिए बलिया आज़ाद था। नमस्कार।